गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। राम राम सर। राम राम, राम राम। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून आफ्टरनून बच्चों, आज हम गुड आफ्टरनून बेटा, आज हम स्टार्ट करेंगे टॉर्जनल कांस्टेंट से। अगर आपको याद हो तो हमने SHM में टॉर्जनल पेंडुलम पढ़ा था, है ना। हिंदी बड़ी मुश्किल सी थी इसकी, याद आ रहा है? कुछ कुछ हिंदी याद आ रही है इसकी? टॉर्जनल पेंडुलम हमने पढ़ा था कि अगर हम एक वायर से किसी बॉल को लटका दें और बॉल को ऐसे ट्विस्ट कर दें, ऐसे मरोड़ कर छोड़ दें, मरोड़ी लोलक बोलते हैं शायद इसे, ठीक है? अरे जवाब दो ना, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा वहां पर आपको बताया था ना, अगर हम किसी पेंडुलम को, एक बॉल को एक वायर से लटका दें, ऐसे नीचे एक बॉल लगा दी हमने, है ना, ऐसे एक बॉल लगा दी और इस बॉल को ऐसे घुमाकर छोड़ दें, इस तरह से घुमाकर छोड़ना है, तो बॉल SHM करता है, इस पर एक बलाघूर्ण लगता है माइनस सी थीटा। थीटा इसका एंगल ऑफ ट्विस्टिंग है ना, मरोड़ी कोण। और यहां पर जो सी होता है ना बेटा, ये टॉर्जनल कांस्टेंट कहलाता है। उस चैप्टर में हमने इस कांस्टेंट के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया था SHM में, लेकिन यहां पर करते हैं। तो बेटा ये जो सी होता है ना, इसकी वैल्यू ये होती है, बस ये कॉपी कर लो आप, जो मरोड़ी नियतांक होता है टॉर्जनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है पाई ईटा आर फोर अपॉन टू एल, पाई ईटा आर फोर अपॉन टू एल। तो बेटा पाई क्या है, कांस्टेंट है, ईटा क्या है, ईटा दृढ़ता गुणांक, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। यस, लिखते जाओ, ईटा जो है वो दृढ़ता गुणांक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। आर इस तार की त्रिज्या है बेटा, रेडियस ऑफ वायर, और एल जो है वो इस वायर की लेंथ है, एल जो है वो वायर की लेंथ है, ठीक है। तो बच्चों ये फार्मूला जो है ये साफ बता रहा है, जितना लंबा वायर होगा उतना ही उसे ट्विस्ट करना आसान होगा, इस पेंडुलम को घुमाना आसान होगा, क्योंकि एल ज्यादा होने पर सी कम हो जाएगा ना बेटा, और सी कम हो जाएगा तो हमें टॉर्क भी कम लगाना पड़ेगा, हमें बलाघूर्ण भी कम लगाना पड़ेगा, बस इसमें आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। अब इसके बाद लिखो थर्मल स्ट्रेस, बस छोटे छोटे एक आध टॉपिक है बेटा, थर्मल स्ट्रेस है ना, क्या बोलेंगे, तापीय प्रतिबल, तापीय प्रतिबल, थर्मल स्ट्रेस, ठीक है, तापीय प्रतिबल। बेटा इसमें क्या है, मान लो हम एक
लोहे मतलब एक धातु की छड़ को दो दृढ़ आधारों के बीच में फंसा दें। ये दो दृढ़ आधार हैं, रिजिड सपोर्ट है, इनके बीच में एक रॉड फंसा दी हमने, ये देखो अभी बनी नहीं, दोबारा बनाएंगे, बीच में से टूट गई वो। तो बच्चों हमने एक रॉड इन दोनों दृढ़ आधार के बीच में फंसा दी, रॉड पहले से ही फंसी हुई है। अब हमने क्या किया, इसको गर्म किया, नीचे मोमबत्ती दिखा देता हूं, है ना, अब इसे गर्म किया। तो बच्चों अगर हम रॉड को गर्म करते हैं तो ये रॉड फैलने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चों ज्यादा फैल तो पाएगी नहीं ना, क्योंकि दोनों तरफ रिजिड सपोर्ट है तो रॉड फैल नहीं सकती। अब उस वजह से इसमें एक प्रतिबल, एक स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, उसे हम थर्मल स्ट्रेस कहते हैं, क्योंकि ये गर्म करने की वजह से आया है। तो बेटा उस थर्मल स्ट्रेस का फार्मूला होता है, वाई अल्फा डेल्टा टी, वाई अल्फा डेल्टा टी। तो बेटा वाई तो इस रॉड का यंग का प्रत्यास्थता गुणांक है, छड़ का है ना, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अल्फा आप बताओ क्या होगा, सोचो अल्फा क्या होगा, रेखीय प्रसार गुणांक। हाँ रेखीय ताप प्रसार गुणांक है ना, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, लिखते रहना बेटा जो मैं बोल रहा हूँ। वाई है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अल्फा है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, और डेल्टा टी है ताप में वृद्धि। डेल्टा टी क्या है, ताप में वृद्धि। बच्चों रेल की दो पटरियों के बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं ना बेटा, उसका रीजन यही होता है। अगर हम रेल की दो पटरियों के बीच में जगह नहीं छोड़ेंगे तो देखो अपने इंडिया में भीषण गर्मी पड़ती है, इस समय कितनी गर्मी है, हे भगवान बहुत गर्मी है। हाँ आपके यहाँ भी गर्मी होगी बहुत ज्यादा। नो सर, नो सर, बहुत ज्यादा तो नहीं है पर है तो है सर है। तुम तो अच्छी जगह रहते हो, गर्मी नहीं है, मजा आ गया यार, हमारे यहाँ तो बहुत गर्मी है, यहाँ बहुत गर्मी पड़ी सर। हाँ कोटा में तो बहुत ज्यादा है, इतनी ठंड है। तो बच्चा गर्मियों हमारे अपने इंडिया में इतनी गर्मी पड़ती है कि है ना, गर्मी की वजह से रेल की पटरियां फैल जाती हैं, उसकी लेंथ बढ़ जाती है। तो अगर आप दो पटरियों के बीच में जगह नहीं छोड़ते ना तो वो पटरियां फैल कर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती और रेल पटरी से उतर जाती, एक्सीडेंट हो जाता। अच्छा एक बात बताओ, जैसे गर्म करने पर रोड फैलती है ऐसे ही ठंडा करने पर सिकुड़ेगी भी। तो ये बिजली के तार देखे आपने, जो अपने दो खंभों के बीच में बिजली के तार होते हैं उनको ढीला छोड़ते हैं, थोड़ा सा ढीला इसीलिए छोड़ते हैं कि जब ठंड पड़ेगी ना तो ये तार सिकुड़ जाएंगे, इनकी लंबाई कम हो जाएगी। तो अगर आप ढीला नहीं छोड़ोगे तो कसकर बांधोगे तो तार टूट जाएगा सर्दियों में। हाँ तो तार को टूटने से बचाने के लिए तार को ढीला छोड़ते हैं। आपने देखा होगा दो खंभों के बीच में जो वायर होता है बेटा, वो तार थोड़ा ऐसा होता है, ऐसा थोड़ा लूज छोड़ते हैं ताकि सर्दियों के दिनों में जब ये सिकुड़ जाए तो टूटे नहीं, टूटने से बच जाए। तो बच्चों थर्मल स्ट्रेस में बस इतना ही फार्मूला है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन का जवाब फार्मूले से देना है आपको, है ना। अब एक ग्राफ बनाते हैं हम, है ना, इलास्टिसिटी कर्व बोल दो उसे आप, है ना, इलास्टिक कर्व बोल दो, इलास्टिक कर्व लिख देते हैं अपन, इलास्टिक कर्व यानी कि प्रत्यास्थ वक्र, ऐसा बोल लो हिंदी में। बच्चों हम मान लीजिए एक तार है, उसको छत से लटका दिया वायर को, और उस पर नीचे कोई है ना भार लटका दिया, कोई वजन लटका दिया। धीरे धीरे हम उस वजन को बढ़ा रहे हैं, तो जैसे जैसे हम प्रतिबल बढ़ाएंगे वैसे वैसे विकृति बढ़ेगी।
तो अगर हम प्रतिबल और विकृति में एक ग्राफ बनाएं, स्ट्रेस और स्ट्रेन में एक ग्राफ बनाएं, तो बच्चों ये ग्राफ इस तरह का आता है। यहां पर स्ट्रेस है और यहां पर स्ट्रेन है, प्रतिबल और विकृति का ग्राफ। बच्चों आपको शुरू में बताया था ना हुक के नियम में, हुक्स लॉ में बताया था, जब प्रतिबल बढ़ाते हैं तो प्रतिबल और विकृति समानुपाती होती है। लेकिन आपको याद होगा मैंने इतना भी बोला था, ये जो प्रोपोर्शनल रिलेशन आता है ना, ये एक लिमिट तक आता है बस, इसे हम प्रत्यास्थ सीमा कहते हैं। तो प्रत्यास्थ सीमा तक, इलास्टिक लिमिट तक, स्ट्रेस और स्ट्रेन जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं, समानुपाती होते हैं, इसलिए स्ट्रेट लाइन आता है। लेकिन बेटा इलास्टिक लिमिट के बाद है ना, ये थोड़ा सा ग्राफ है ना कर्व हो जाता है, ऐसे थोड़ा सा कर्व होगा, उसके बाद ये बड़ा अजीब सा व्यवहार करता है, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनना। तो इसको हम लिख देते हैं इलास्टिक लिमिट ई। ग्राफ ओ से शुरू हुआ और ई तक समानुपाती था, ई कहलाता है इलास्टिक लिमिट, हिंदी में प्रत्यास्थ सीमा। बच्चों अगर हम प्रत्यास्थ सीमा से बाहर जाकर अगर प्रतिबल लगाएंगे, अगर स्ट्रेस लगाएंगे, तो तार में है ना थोड़ी गड़बड़ शुरू हो जाती है। किस तरह की गड़बड़ आप बताओगे, किसी को पता है? बताओ। थोड़ा भी स्ट्रेस बिना लगाए खिंचावट वो वापस नहीं आता। अरे नहीं, स्ट्रेस के चरणजीत वो तो बहुत लेट होगा, अभी बाद में होगा बेटा, अभी नहीं, वो तो यील्ड पॉइंट के बाद में। हाँ यील्ड पॉइंट के बाद में होगा वो, पर अभी इसमें, अभी क्या होता है इसमें वापस, हाँ, अगर स्ट्रेन हटाएंगे तो वापस मतलब कि इसमें नहीं आएगा। हाँ स्ट्रेन नहीं, स्ट्रेस हटाएंगे। हाँ, करेक्ट, स्ट्रेस करेक्ट। हटाएंगे, वापस नहीं आएगा रेसिडुअल स्ट्रेस। हाँ, हाँ, नहीं नहीं अब सही बोला, अब सही बोला, मैं एक्सप्लेन करूं बेटा। इलास्टिक लिमिट वो होती है जहां तक आप अगर प्रतिबल लगाते हो तो तार विकृत हो जाता है, लेकिन प्रतिबल के हटाने पर, स्ट्रेस के रिमूव करने पर वायर वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाता है, ये कहलाती है इलास्टिक लिमिट। लेकिन अगर हम इलास्टिक लिमिट से बाहर चले जाएं, तो उसके बाद क्या होगा, अगर आप इससे ज्यादा प्रतिबल बढ़ाओगे ना, तो तार प्रतिबल हटाने पर तार पूरी तरह से अपनी प्रारंभिक स्थिति में नहीं आएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, ढंग से सुनना बेटा, है ना, ये चीजें सारी लिख नहीं पाएंगे हम। प्रत्यास्थ सीमा से बाहर जाने पर प्रतिबल हटाने के बाद तार वापस अपनी इनिशियल लेंथ में नहीं आता, उसमें थोड़ा सा विकृति शेष रह जाती है, समझे? हाँ सुना आपने? यस सर। कुछ ऐसा होता है। हाँ ये वाला ग्राफ मैं दोबारा बना रहा हूं थोड़ा सा। ऐसा तो बच्चा ये होता है लगभग वाई पॉइंट तक, ये वाई है ना, ये यील्ड पॉइंट कहलाता है, हिंदी में थोड़ा मुश्किल है बताना, पराभव बिंदु। मैं नाम लिख दूं इधर, ई कहलाता है इलास्टिक लिमिट, प्रत्यास्थ सीमा है ना हिंदी में प्रत्यास्थ सीमा, वाई कहलाता है वाई आई ई एल डी यील्ड पॉइंट, हिंदी में बोलते हैं पराभव बिंदु। तो बच्चों ढंग से सुन लो ये कहानी, तुम कहोगे मैं चार बार सुना दूंगा, पर मुझे लिखाने में थोड़ी आपत्ति है, कहां तक लिखाएं यार, लिखाने में बहुत टाइम जाता है और हिंदी इंग्लिश में और खोलना पड़ता है, तो आप कहोगे मैं जितनी बार बोल दूंगा। तो बच्चों ई तक, ओ से ई तक अगर हम स्ट्रेस रिमूव कर देते हैं तो वायर अपनी इनिशियल लेंथ में वापस आ जाता है, लेकिन ई के बाद, ई पॉइंट के बाद अगर आप स्ट्रेस रिमूव करोगे तो वायर अपनी इनिशियल लेंथ में नहीं आएगा। और ऐसा वाई तक होता है, यील्ड पॉइंट तक, पराभव बिंदु तक होता है, पराभव बिंदु से भी आगे निकल गए ना तुम, तो तार चिंगम की तरह खींचने लग जाएगा, बिना स्ट्रेस बढ़ाए तार है ना खींचता चलाएगा, थोड़ी देर बाद टूट जाएगा, यहां आकर टूट जाएगा, खत्म बात, खत्म पैसा हजम। तो बच्चों हमने कहा वाई बिंदु तक तो तार फिर भी थोड़ा बहुत उसमें प्रत्यास्थता बचेगी,
लेकिन अगर तुम वाई के आगे निकल गए ना तो ये इलास्टिक के बाद प्लास्टिक बन जाता है। अपन प्लास्टिक की वस्तुएं देखते हैं ना, उनमें विशेष गुण होता है वो खींचने से खींचते चले जाते हैं, वापस नहीं आते कभी। तो तार है ना, इलास्टिक प्रॉपर्टी पूरी तरह से खो देगा, इसके सारे प्रत्यास्थता के गुण खत्म हो जाएंगे, वाई के आगे चिंगम की तरह खींचेगा और पटक से टूट जाएगा बी पॉइंट पर आकर। तो बी को क्या बोलते हैं? ब्रेकिंग पॉइंट। बेटा बी कहलाता है ब्रेकिंग पॉइंट। हिंदी में तुम बना लो यार, हिंदी क्या होगी ब्रेकिंग पॉइंट की, बोलो ना, हिंदी बनाओ हिंदी, चलो। टूटन बिंदु। क्या टूटन? हाँ थोड़ा लोकल लग रहा है, थोड़ा थोड़ा लोकल से ग्लोबल बनाना इसको, अच्छा सा। टूटन थोड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे। और कोई बच्चा? हाँ खंड बिंदु, खंड तेरी ये प्रतिच्छेदन बिंदु बोलते हैं बेटा इसे। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदन, है ना। बस ये ग्राफ भी खत्म और इसके साथ हमारा ये इलास्टिसिटी वाला चैप्टर भी खत्म। आप प्रैक्टिस कीजिए, आपके पास जो भी मटेरियल है उतना काफी है, क्योंकि ये चैप्टर इतना बड़ा नहीं है बेटा कि इसमें बहुत ज्यादा समय लगाया जाए। ओके, और कोई डाउट पूछना है तो पूछो, बताओ बेटा इसमें। नहीं, आगे बढ़े तो हम नए चैप्टर में चलते हैं। सर इसमें कुछ जगह ये लिखा हुआ कि ये प्रोपोर्शनल पॉइंट तक होता है, इलास्टिक पॉइंट तक वो डायरेक्टली नहीं होता है स्ट्रेस के स्ट्रेन। हाँ हाँ, तो ये मैंने बताया था ना, अबे कहाँ चले गए मेरा चैप्टर, कहाँ चला गया ये रहा। इसमें बताया था ना मैंने इलास्टिक लिमिट तक। हाँ बोल बोल। उससे पहले ना इलास्टिक से पहले का उसमें लिखा हुआ है एमटी में प्रोपोर्शन पॉइंट होता है वहां तक डायरेक्टली आता है, इलास्टिक में वापस तो आ जाता पर यार, है ना। अरे नहीं चरणजीत, चरणजीत अलग अलग किताबों में है ना ये अलग अलग लिखा हुआ है, मैंने देखा है। मतलब ये वाले ग्राफ में एक आध पॉइंट और घुसा देते हैं, इलास्टिक लिमिट को और प्रोपोर्शनल लिमिट को अलग कर देते हैं। मेरे हिसाब से वो सेम होना चाहिए, क्योंकि हम जब हुक्स लॉ लिखते हैं ना तो साफ लिखते हैं विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो मेरे हिसाब से इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनल लिमिट में कोई अंतर होना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ किताब वाले उसे अलग अलग कर देते हैं। तो मैं ज्यादा आपको परेशान नहीं करना चाहता, इतना ही बहुत है बेटा, ठीक है। हाँ चलो, तो अगला चैप्टर यहां पर फिर लिखते हैं। ये तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का ही दूसरा चैप्टर है, बताओ क्या नाम है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। अरे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कल, हाँ पृष्ठ तनाव कल बोला था ना बेटा, सरफेस टेंशन डिस्कस करेंगे। तो हमारा दूसरा चैप्टर है ये सरफेस टेंशन। लिख लो पृष्ठ तनाव। अरे यार ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, डेली लाइफ में इतनी घटनाएं हैं हमारी जो इस चैप्टर पर आधारित है, बहुत बहुत सारी। मतलब मैं आपको बताऊं, गिनाना शुरू करूं तो देखो यहां से शुरू करो, द्रव की छोटी छोटी बूंदें गोल क्यों होती है ये पृष्ठ तनाव समझाएगा। पानी में तेल ऊपर फैलता है तो तैरने लग जाता है, गोली नहीं बनती, जबकि तेल में पानी डालोगे तो उसकी गोली बन जाती है, ये भी पृष्ठ तनाव बन समझाता है। अखबार पे पानी का एक छींटा डालो, एक बूंद डालो तो वो बूंद फैल जाती है, ये भी कैपिलरी एक्शन है, ये भी इसी चैप्टर का है। और पानी में उंगली डालो तो उंगली गीली हो जाती है, जबकि तुम मर्क्यूरी में उंगली डालोगे तो उंगली में मर्क्यूरी नहीं चिपकता, ये भी पृष्ठ तनाव है। और भी बहुत सारी घटनाएं ऐसी है, मैं चैप्टर के अंदर बताऊंगा तुम्हें जो इस चैप्टर पर बेस्ड है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा इसमें लिखना भी पड़ेगा यार, इसमें मजबूरी है। तो बच्चों पृष्ठ तनाव क्या है हम शुरू करते हैं।
कोई भी लिक्विड जो होता है ना, द्रव, पहली बात ये चैप्टर पूरा लिक्विड पर बेस्ड है, इसमें सॉलिड और गैस का कोई रोल नहीं है, ये पूरा चैप्टर लिक्विड पर बेस्ड है। तो बच्चों प्रत्येक द्रव का ये गुण होता है कि वो अपना जो फ्री सरफेस है, मुक्त सतह है, उसको कम से कम करने की कोशिश करता है। एवरी लिक्विड हैज इट्स टेंडेंसी टू मिनिमाइज इट्स फ्री सरफेस, और यही गुण पृष्ठ तनाव कहलाता है। मतलब किसी भी द्रव का जो सरफेस है ना बेटा, सतह, वो एक खिंची हुई तनी हुई झिल्ली, एक स्ट्रेच्ड फिल्म की तरह काम करता है। अरे आप लोग बायो वाले हो, ये वाला डिस्कशन जरूर बायो में करते होंगे ना, मच्छर जो है वो पानी पर कैसे खड़ा हो जाता है। हाँ सर। तो बेटा वो सरफेस टेंशन ही है। हाँ क्या बोल रही है? कुछ। अरे बता ना, मैं सुनने को तैयार हूँ भाई। क्या आपने मच्छर काट दिया क्या? बेटा मच्छर है ना, उसमें क्या होता है, पानी में इसलिए खड़ा हो जाता है क्योंकि है ना सरफेस टेंशन की वजह से पानी में है ना मच्छर की जो टांगे होती है उससे गड्ढा बन जाता है। मेरे पास एक है ना पिक्चर भी है, फोटो है, मैं ढूंढ कर तुम्हें भेजूंगा, बहुत प्यारा फोटो है वो। तो वो गड्ढा बन जाता है, उसकी वजह से सरफेस टेंशन एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है जो उसके एमजी को बैलेंस कर देता है, इसलिए मच्छर पानी में उसकी टांगे है ना अंदर नहीं जाती है, डूबता नहीं है, खड़ा हो जाता है, हल्का होता है। खैर ये तो है, हम तो खड़े नहीं हो पाएंगे, हम भारी हैं, ठीक है। और अगर आप बहुत सावधानी से देखो ना, एक सुई को पानी में फ्लोट करा सकते हो, तैरा सकते हो, वो भी सरफेस टेंशन की वजह से होता है। यस सर, ये वाला एक्सपेरिमेंट किए थे। हाँ लेकिन बेटा बहुत केयरफुली करना पड़ता है, इतनी आसानी से नहीं तैरती, लेकिन ढंग से करोगे तो सुई को पानी में फ्लोट करा सकते हो, ये भी सरफेस टेंशन की वजह से होता है। तो बेटा लिक्विड का जो सरफेस होता है, द्रव का सतह, वो एक खिंची हुई झिल्ली की तरह काम करता है, एक स्ट्रेच्ड फिल्म की तरह काम करता है। चलो लिखना शुरू करते हैं, थोड़ा थोड़ा लिखो। प्रत्येक द्रव की सतह एक खिंची हुई झिल्ली की तरह व्यवहार करती है, लिखो, सरफेस ऑफ एवरी लिक्विड बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेच्ड फिल्म, खिंची हुई झिल्ली की तरह व्यवहार करती है, जिसके कारण द्रव अपने मुक्त सतह के क्षेत्रफल को न्यूनतम करने की कोशिश करता है, इंग्लिश में बोलूंगा बेटा, सरफेस ऑफ एवरी लिक्विड हैज बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेच्ड फिल्म, हेंस इट हैज टेंडेंसी टू मिनिमाइज इट्स फ्री सरफेस एरिया ऑफ फ्री सरफेस हेंस इट हैज टेंडेंसी टू मिनिमाइज area of its free surface. तो अपनी मुक्त सतह के क्षेत्रफल को कम से कम करने की कोशिश करता है, है ना? लिख लो आगे, this property of liquid is called surface tension. द्रव का यह गुण पृष्ठ तनाव कहलाता है, तो बेटा हम जानते हैं जो स्फीयर होता है ना गोला, उसका क्षेत्रफल सभी वस्तुओं में न्यूनतम होता है, इसलिए द्रव की छोटी छोटी बूंदे हमेशा गोलाकार पाई जाती है। आपने देखा होगा गोल होती है, कभी घनाकार देखा है? कभी देखा है द्रव की बूंद शंकु बन गई हो, कोन बन गई हो, या क्यूब बन गई हो, या सिलेंडर बन गई हो? नहीं, स्फीयर ही होती है क्योंकि स्फीयर का सरफेस एरिया मिनिमम होता है। ये लाइन लिख लो, काम आएगी, लिखो। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, नेक्स्ट लाइन में लिखो, द्रव के इस गुण के कारण, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी टाइनी ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड आर स्फेरिकल। इस गुण के कारण द्रव की छोटी छोटी बूंदे गोलाकार होती हैं। बेटा इसमें मुझे लिखाना बहुत पड़ेगा और हर लाइन पर एक क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना।
ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी टाइनी ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड आर स्फेरिकल बिकॉज सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज मिनिमम इस गुण के कारण द्रव की छोटी छोटी बूंदे गोलाकार होती हैं क्योंकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम होता है तो चलो अब सरफेस टेंशन को डिफाइन करते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं। इसलिए मैं दोबारा से एक छोटा सा हेडिंग लिख रहा हूं, सरफेस टेंशन, पूरा लिखो डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन। हाँ, सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव की परिभाषा बताओ, आप बताओ। हमेशा आपसे पहले पूछता हूं मैं, ताकि जिस बच्चे को आता है वो अपनी प्रतिभा दिखाए। तो बोलो पृष्ठ तनाव की परिभाषा क्या होती है। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन टेंजेंशियली एनीवेयर ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एट रेस्ट। शाबाश, वेरी गुड। देखो आपने अच्छा बताया, आपको आता है, पर हाँ देखकर मत बोलना, अगर आता है तो आया हुआ बोलना बस, है ना। वेरी गुड, 12th क्लास में ऐसे के ऐसे लिखा हो तो पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको। बेटा जब भी कोई ठोस, चाहे अपनी उंगली ले लो, अगर हम अपनी उंगली को पानी में डाल देना तो पानी का सतह है ना हमारी उंगली को ऐसे खींचता है। आप समझने की कोशिश करना, जैसे ये उंगली मैंने पानी में डाली तो है ना पानी ऐसे खींचता है हमारी उंगली को ऐसे। बेटा पता नहीं लगता क्योंकि ये बल बहुत कम होता है। जैसे मैंने बताया ना कि हम दो दोस्त आप पास पास बैठे होते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल हम अनुभव नहीं करते क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम होता है। उसी तरह पानी का ये वाला फोर्स है ना बहुत कम होता है, इसलिए हमें ये अनुभव महसूस नहीं होता। लेकिन सच्ची बात है, जब भी कोई ठोस किसी द्रव के संपर्क में आता है तो द्रव की सतह ठोस के ऊपर एक बल लगाती है। ये बल ठोस की सतह के तो लंबवत होता है परंतु द्रव की सतह के समांतर होता है। एकांक लंबाई पर लगने वाला यह बल पृष्ठ तनाव कहलाता है। मैं पूरा लिखाऊंगा, टेंशन मत लेना, इंग्लिश में सुनो, इंग्लिश में। बेटा जब भी कोई सॉलिड बॉडी किसी लिक्विड के कॉन्टेक्ट में आती है तो लिक्विड उस सॉलिड पर फोर्स लगाता है, और ये जो फोर्स होता है ये सॉलिड की सरफेस के तो परपेंडिकुलर होता है लेकिन लिक्विड की सरफेस के पैरेलल होता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। दिस फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो लिखना शुरू करें, चलो लिखो, पहले हिंदी में लिखो। जब भी कोई ठोस वस्तु किसी द्रव के संपर्क में आती है, व्हेन ए सॉलिड बॉडी कम्स इन कॉन्टेक्ट टू लिक्विड, जब भी कोई ठोस वस्तु किसी द्रव के संपर्क में आती है तो द्रव की सतह ठोस पर एक बल लगाती है। When a solid body comes in contact to liquid, liquid exerts a force on solid, द्रव की सतह ठोस पर बल लगाती है। अब अगली लाइन जो है वो इंपॉर्टेंट है। यह बल ठोस की सतह के लंबवत तथा द्रव की सतह के समांतर होता है। दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू सॉलिड सरफेस बट पैरेलल टू लिक्विड सरफेस। आगे लिखो। एकांक लंबाई पर ठोस की एकांक लंबाई पर लगने वाला यह बल पृष्ठ तनाव कहलाता है। इंग्लिश में लिखो, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सॉलिड
फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। बेटा सरफेस टेंशन को कुछ लोग एस लिखते हैं, कुछ लोग टी लिखते हैं, मतलब कुछ लोग सरफेस का एस ले लेते हैं, कुछ लोग टेंशन का टी ले लेते हैं। मेरी आदत टी लेने की है ना, तो मैं टी लिखूंगा। तो सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ एफ अपॉन एल, लिख लो टी बराबर एफ अपॉन एल। मैं आपको बताता हूं ये बल कैसे लगता है। बच्चों आप ये मान लो किसी द्रव की सतह को देख रहे हैं ऊपर से, ये कोई द्रव की सतह है, ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से है ना, किसी बर्तन को ऊपर से देख रहे हैं, ये द्रव है। सपोज कीजिए आपने एक माचिस की तीली इसकी सतह पर डाल दी, ये कोई माचिस की तीली है, थोड़ा सा मोटा दिखा दें इसे, ये लो ये कोई माचिस की तीली है और ये द्रव की सतह पर पड़ी है, पानी की सतह पर पड़ी है, तो पानी इस तीली को खींचेगा। कैसे खींचेगा देखो, पानी इस माचिस की तीली पर इधर भी बल लगाएगा ऐसे, है ना। अरे भैया और बच्चों दूसरी तरफ भी बल लगाएगा, दोनों तरफ खींचेगा, हाँ ये। तो अगर इस माचिस की तीली की लंबाई L है तो बच्चों इसके एकांक लंबाई पर लगने वाला बल ये होता है पृष्ठ तनाव। बच्चों ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि पानी दोनों तरफ खींच रहा है, एफ से लेफ्ट में भी खींच रहा है, राइट में भी खींच रहा है, इसलिए माचिस की तिली पर टोटल फोर्स जीरो हो जाएगा। परंतु ये एक तरफ जो बल लग रहा है वो बल आप यहां से निकाल सकते हो, एफ बराबर टी इंटू एल, और इसे ऐसे भी लिख सकते हो एफ बराबर टी इंटू एल। टी बेटा द्रव के लिए दिया जाता है क्वेश्चन में, तो टी आपको दे देगा, एल आपको दे देगा, आपसे फोर्स पूछेगा तो फोर्स हो जाएगा टी इंटू एल। तो बच्चों दोनों तरफ लग रहा है ना, इसलिए माचिस की तीली गति नहीं कर रही, माचिस की तीली गति इसलिए नहीं कर रही क्योंकि दोनों तरफ बल लग रहा है, कैंसिल हो गया। हाँ पता है, एक तरफ नमक डाल दो थोड़ा सा, उससे क्या होगा पता है, अगर आप दोनों एक तरफ नमक डालोगे ना, नमक डालने से सरफेस टेंशन कम हो जाता है, तो एक तरफ का फोर्स कम हो जाएगा, दूसरी तरफ का बढ़ जाएगा, फिर माचिस की तीली चलने लग जाएगी। करके देखना आज शाम को। सर ये डूबे हल्का सा, जब पानी में डूबेगी तो ये जो फोर्स लग रहा है थोड़ा सा, मैं बिल्कुल पैरेलल नहीं लग रहा बेटा। सुन माचिस की तीली पूरी डूबती नहीं है, इसीलिए तो मैंने माचिस की तीली ली है ना, माचिस की तीली तो पानी के बहुत बाहर होती है। हाँ अगर ये कोई मेटल होता तो शायद डूब जाता, इसलिए तो मैं कह रहा सुई को तैराना थोड़ा मुश्किल होता है। अभी मैंने सिंपल तरीके से समझाया है कि ये माना है कि माचिस की तीली बिल्कुल अंदर नहीं गई, पानी के बाहर ही है, बस हल्का सा टच कर रही है पानी की सतह को। तो बेटा एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। अच्छा सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर। हाँ ऐसा ही यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन होता है न्यूटन पर मीटर। बेटा बल बटा लंबाई है, न्यूटन पर मीटर होगा, ऐसा ही यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर। बेटा सरफेस टेंशन है ना टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, अगर आप गर्म करोगे पानी को तो सरफेस टेंशन कम हो जाता है पानी को गर्म करने पर। यार आपने ये कहना खिलौना देखा होगा, उसमें क्या होता है, नाव होती है हल्की सी, छोटी सी नाव होती है, उस नाव को पानी में रखो और पीछे है ना जलता हुआ कपूर रख दो या जलती हुई बत्ती रख दो तो वो नाव आगे चलने लगती है अपने आप, देखा है? Yes, sir. वो खिलौना देखा है, उसमें एक नाव होती है, है ना हल्की सी मेटल की या किसी चीज की बनी हुई, उसमें है ना जलती हुई बत्ती रख दो पीछे या कैम्फर रख दो कपूर, तो नाव आगे चलने लगती है। उसका रीजन यही होता है कि नाव है ना पीछे जलता हुआ कपूर रखते हो ना, पीछे का पानी गर्म हो जाता है, पीछे का पानी गर्म हो जाता है तो पीछे का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, आगे वाला पृष्ठ तनाव ज्यादा हो जाता है,
और पानी नाव को आगे खींचता रहता है, नाव आगे चलती रहती है। मैंने कहा ना, दैनिक जीवन में बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जो पृष्ठ तनाव पर आधारित हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत, उनमें से एक ये भी आ गई। तो बच्चों लिखो, है ना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इम्प्योरिटी ऑन सरफेस टेंशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इम्प्योरिटी क्या लिखोगे? ताप का और इम्प्योरिटी क्या होता है? अशुद्धि का प्रश्न। हाँ, प्रस्त तनाव पर ताप तथा अशुद्धि का प्रभाव। बस बच्चों दो लाइनें लिखवानी है मुझे, लिखो। द्रव का ताप बढ़ाने पर प्रस्त तनाव घटता है। On increasing the temperature, surface tension of liquid decreases. ताप बढ़ाने पर द्रव का प्रस्त तनाव घटता है। On increasing the temperature, surface tension of liquid decreases. और बेटा क्वथनांक पर इसका प्रस्त तनाव शून्य। ये तो यार आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा या सर अभी पढ़ाने वाले होंगे, मुझे लग रहा है। मैंने एक दिन सुना था, शायद सर पढ़ा रहे थे, एक दिन सुन रहा था मैं। यस सर, पढ़ लिए ना। हाँ तो बेटा पढ़ लिए तो जरा बताया करो ना। तो मैंने जो अगली लाइन बोली वो सही बोली ना, बॉइलिंग पॉइंट पर सरफेस टेंशन जीरो हो जाता है। देखो जवाब नहीं दोगे, अब चुप हो जाते हो। अरे सर ने पढ़ाया तो कम से कम यार उसकी इज्जत तो रखो। नहीं रखोगे मत रखो भाई। तो लिखो, मैं लिखा रहा हूं, क्वथनांक पर प्रस्त तनाव शून्य हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट सरफेस टेंशन बिकम्स जीरो। ये तो हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब लिखो अशुद्धियों का प्रभाव। बेटा अगर अशुद्धि घुलनशील है, जैसे नमक होता है ना पानी में घुल जाता है ना, तो यदि अशुद्धि घुलनशील है, अगर इम्प्योरिटी सोल्यूबल है, जैसे सॉल्ट है पानी में मिल जाता है, तो सरफेस टेंशन क्या हो जाता है? मैंने यार पहले गलत बोल दिया शायद, सरफेस टेंशन तो बढ़ जाता है यार, सरफेस टेंशन घुलनशील होने पर। मैंने पहले उल्टा बोला था क्या यहाँ पर, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था, याद दिलाओ, ये एक्सप्लेन कर रहा था, मैंने कहा एक तरफ नमक डाल दो, तो मैं उल्टा बोल गया था कि नमक डालने पर सरफेस टेंशन कम हो जाता है, या सही बोला था मैं? कम हो जाता है बोले थे। कम हो जाता है बोले। हाँ तो बेटा वो चलो उस समय तो लिखिए नहीं तो बच गए हम, अब मैं बोल रहा हूँ सही। अब लिखो, देखो यदि अशुद्धि घुलनशील है तो द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है ना। इफ impurities are soluble, then surface tension of liquid increases. यदि घुलनशील है अशुद्धियां तो प्रस्त तनाव बढ़ जाता है, जैसे नमक का पानी, नमक के पानी का प्रस्त तनाव शुद्ध पानी से ज्यादा होता है। सॉल्ट सॉल्यूशन का सरफेस टेंशन प्योर वाटर से ज्यादा होता है बेटा। लेकिन यदि अशुद्धियां आंशिक घुलनशील है ना, क्या बोलते हैं, पार्शियली सोल्यूबल, यदि अशुद्धियां आंशिक घुलनशील है तो प्रस्त तनाव कम हो जाता है। इफ इम्प्योरिटीज आर पार्शियली सोल्यूबल देन सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। जैसे साबुन का पानी, हाँ, सोप सॉल्यूशन, साबुन के पानी का प्रस्त तनाव शुद्ध पानी से कम होता है। सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन इज लेस देन प्योर वाटर। ठीक है, तो चलो ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज हो गया। मैंने कहा ही था चैप्टर के शुरू में, इसमें लिखना बहुत है, अभी क्वेश्चन वोशन बाद में आएंगे इसमें, अभी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। अब लिखो बेटा पृष्ठीय ऊर्जा, सरफेस एनर्जी।
यहाँ पर लिख ही नहीं सकता, टेम्परेचर को भी लिए, छोड़ो ना क्या लिखना है आपको, तो लिखा ही दिया। नेक्स्ट टॉपिक है सरफेस एनर्जी, पृष्ठीय ऊर्जा। बच्चों अगर हम किसी भी लिक्विड का फ्री सरफेस इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, मुक्त सतह के क्षेत्रफल में यदि वृद्धि करते हैं, तो हमें अंतर आणविक बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है हमें, जब हम किसी भी लिक्विड का सरफेस बढ़ाएंगे, सतह को बढ़ाएंगे। और हमारे द्वारा किया गया ये कार्य उसकी पृष्ठीय ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो जाता है, एक तरह की पोटेंशियल एनर्जी मान लो आप, एक तरह की पोटेंशियल एनर्जी ही मान लो। लिखो, व्हेन फ्री सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड इज इंक्रीज्ड, जब किसी द्रव के मुक्त सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि की जाती है, व्हेन फ्री सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड इज इंक्रीज्ड, जब भी किसी द्रव के मुक्त सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि की जाती है, then we have to do work against intermolecular forces. We have to do work against intermolecular forces. तो हमें अंतर आणविक बलों के विरुद्ध कार्य करना होता है। तो हमें अंतर आणविक बलों के विरुद्ध कार्य करना होता है। फुल स्टॉप। दिस वर्क इज स्टोर्ड एज सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड। यह कार्य द्रव की पृष्ठीय ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो जाता है। यह कार्य द्रव की पृष्ठीय ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो जाता है। ठीक है बेटा, तो इसका भी फार्मूला लिखें। तो बेटा हमारे द्वारा किया गया जो कार्य होता है, मैं वर्क डन का फार्मूला लिख रहा हूं, ये वर्क डन होता है टी इंटू डेल्टा ए, और बस यही कार्य है, ऊर्जा बन जाएगा और क्या है। लिख लो डब्ल्यू बराबर टी इंटू डेल्टा ए। टी तो बेटा द्रव का पृष्ठ तनाव है इस चैप्टर में, और डेल्टा ए है क्षेत्रफल में वृद्धि। डेल्टा ए क्या है? क्षेत्रफल में वृद्धि। देखो मैं आपको थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट करके समझाता हूं, इसे मजा आएगा, इसे देखना। बच्चों एक वायर का फ्रेम है, है ना, और इस वायर के फ्रेम पर एक स्लाइडिंग वायर लगा है। स्लाइडिंग मतलब जो आगे पीछे हो सकता है। बच्चों इस पूरे फ्रेम को आप साबुन के पानी में डुबोकर बाहर निकाल लीजिए, तो जब इस पूरे फ्रेम को साबुन के पानी में डुबोकर बाहर निकालेंगे, तो बेटा यहां पर एक फिल्म बन जाएगी, ऐसे पानी की, साबुन के पानी की फिल्म बन जाएगी। अब ये फिल्म क्या करेगी? ये फिल्म इस तार को, है ना, जो स्लाइडिंग वायर है ना बेटा, स्लाइडिंग वायर, इसको अंदर की ओर खींचेगी। वो लाइन अच्छी नहीं लग रही थी इसलिए थोड़ा ब्रेक कर दिया। तो बच्चों मैंने अभी क्या बताया, जब भी कोई ठोस किसी द्रव के संपर्क में आता है तो द्रव उसे अपनी ओर खींचता है, तो ये द्रव की फिल्म इस वायर को अंदर खींचेगी। तो बेटा अगर हम इस तार को, अगर हमें द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाना है, हम ये एरिया बढ़ाना चाहते हैं, तो मुझे तार को बाहर खींचना पड़ेगा। तो बच्चों मैं तार को बाहर खींचकर यहां ले आया मान लो, ये देखो, और मैंने तार को विस्थापित कर दिया एक्स। तो बेटा मुझे तार को खींचने में कितना बल लगाना पड़ेगा, एक बार बताओ बताओ, तार को खींचने में कितना बल लगाना पड़ेगा?
टी इंटू एल बोला ना, तार की लंबाई एल है, तो जितना फोर्स अंदर लग रहा है, जितना फोर्स द्रव अंदर लगा रहा है, भैया पहले तो कंफर्म करो, आप इतनी देर से मैं बोले जा रहा हूँ सुन, अगर आपने मना कर दिया ना सर सुना नहीं तो मैं तो गया काम से आज। यस कंफर्म करो भैया, सुन रहे हो ना, बहुत देर से बोल रहा हूँ मैं आज, और इस चैप्टर में हाँ, और इस चैप्टर में बोलने सुनने का काम बहुत ज्यादा है बेटा, तो बीच बीच में उपस्थिति दर्ज करा देना अपनी, है ना, वरना मैं कहीं का नहीं रहूंगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो बेटा मैंने आपको बताया ना, तार को जो लिक्विड है वो तो तार को अंदर खींचेगा, तो जितना फोर्स लिक्विड अंदर लगाएगा उतना मुझे बाहर लगाना पड़ेगा। तो मैंने ऊपर बताया तो था एफ बराबर टी इंटू एल होता है, तो अगर तार की लंबाई एल है तो कितना बल आएगा, टी एल प्लस टी एल। अब बच्चों ये नई फफूंद कहां से आ गई है, दोबारा मैंने दो बार टीएल क्यों लिख दिया यार, नई नई चीजें तुम्हारे सामने आ जाती है, तुम्हें परेशान करती रहती है। कोई बच्चे को पता है मैंने दो बार टीएल क्यों लिखा, वायर के ऊपर का लिक्विड और मतलब नीचे की सरफेस दोनों लगाएंगे ना टीएल। हां चरणजीत तेरा माइक खराब है आज, तेरी आवाज बहुत कम आ रही है, डिस्टरबेंस भी आ रहा है। मैं बताता हूँ, वैसे सुन लिया मैंने तुम्हारा आंसर बेटा, ये 2TL इसलिए आया, तुम एक बात बताओ, हमने इस पूरे फ्रेम को साबुन के पानी में से निकाला था तो साबुन की जो फिल्म बनी वो उसकी दो सतह होंगी या एक सतह होगी, ये बताओ। किसी भी फिल्म की दो सतह होती है, जैसे मेरी हथेली है तो मेरी हथेली में एक सतह इधर की है और एक सतह उधर की है, तो बेटा इसी तरह इस फिल्म में दो सतह होंगी और दोनों सतह उस तार को अपनी ओर खींचेंगी, तो टीएल वाला फोर्स, एक फोर्स टीएल आगे वाली सतह का है, दूसरा टीएल पीछे वाली सतह का है, तो टोटल फोर्स हो गया 2TL, और जितना फोर्स अंदर लगेगा मुझे उतना ही बाहर लगाना पड़ेगा, क्योंकि तार को खिसकाना है ना, विस्थापित करना है। बेटा कार्य होता है बल गुणा विस्थापन, तो मैंने तार पर कितना फोर्स लगाया F और कितना विस्थापित किया X, F की वैल्यू लिख दो 2TL into X, अब इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं T into 2LX, बच्चों L into X क्या है, तार की लंबाई गुणा विस्थापन, ये क्षेत्रफल में वृद्धि आ गया, देखो है ना, तो बच्चों L इंटू एक्स आगे का क्षेत्रफल बढ़ा और L इंटू एक्स पीछे का क्षेत्रफल बढ़ा, एक फिल्म में दो मुक्त सतह होती हैं, तो L इंटू एक्स फ्रंट वाला एरिया बढ़ा और L इंटू एक्स बैक वाला, तो 2LX ये आ गया क्षेत्रफल में कुल वृद्धि। तो बच्चों ये वाला फार्मूला डिराइव हो गया, नहीं ये वाला नहीं, गलत जगह एरो चला गया, ये वाला। तो एक तरह से मैंने फार्मूला भी डिराइव कर दिया है वर्क डन का, और आपको एक अच्छी सी सिचुएशन भी समझा दी, आप इसे कॉपी करना चाहो तो कर लो, है ना, और जो कुछ पूछना है तो पूछ भी लो। कॉपी हो जाए तब बता देना, है ना। डन सर।
चलो बच्चों आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप एक क्वेश्चन करो और सावधानी से करना, जल्दीबाजी मत दिखाना। लिखो, एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्या आर है। बच्चों आवाज आ रही है ना, कंफर्म करो। यस सर। लिखो, एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्या आर है, ठीक है। रेडियस ऑफ ए सोप बबल इज आर। इसकी त्रिज्या को दोगुना करने में कितना कार्य करना होगा? त्रिज्या को दोगुना करने में कितना कार्य करना होगा? कैलकुलेट वर्क डन टू इंक्रीज इट्स रेडियस टू 2R, है ना। एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्या आर है, उसे डबल करना है। और बेटा साबुन के इस साबुन के पानी का प्रस्तनाव टी दे रखा है, वो मैं बोलूं या ना बोलूं आपको टी तो काम में लेना ही है। तो सरफेस टेंशन ऑफ सोप लिक्विड इज टी। तो अब बताओ डब्लू कितना आएगा? हाँ बच्चा, आंसर दे रहे हैं बच्चे, मनीष का आंसर है 24 टी पाई आर स्क्वायर, चरणजीत का भी यही है, पल्लवी का 2 पाई आर स्क्वायर, राहुल का 24 पाई आर स्क्वायर टी। चलो हम शुरू करते हैं। बेटा सुनिए, एक बार कंफर्म करो आवाज आ रही है ना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मौसम ऐसा ही है, लाइट वगैरह चली गई। yes. तो yes, ऐसा sir. ना हो कहीं, हाँ नेटवर्क इश्यू हो जाए। हेलो सर, आ रही है आवाज। वेरी गुड वेरी गुड। बेटा W इज इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए होता है, ठीक है। जब साबुन के बुलबुले, बुलबुला साबुन का बुलबुला स्फेरिकल होता है, तो शुरू में उसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर। बेटा साबुन के बुलबुले में एक मुक्त सतह होती है, दो होती है, सच्ची बताओ? दो होती है, दो होती है, फ्री सरफेस। मुक्त सतह मतलब फ्री सरफेस दो होती है, एक अंदर एक बाहर। तो 4 पाई आर स्क्वायर अंदर होगा, 4 पाई आर स्क्वायर बाहर होगा, तो बेटा 8 पाई आर स्क्वायर इसका टोटल एरिया होगा साबुन के बुलबुले का। ये लफड़ा है इस चैप्टर में, हर बार ये देखना है कि एक सरफेस है या दो सरफेस है। तो बेटा साबुन के बुलबुले में अंदर भी तो हवा होती है, बाहर भी हवा होती है, तो एक सरफेस अंदर होता है, दूसरा सरफेस बाहर होता है। तो 4 पाई आर स्क्वायर अंदर, 4 पाई आर स्क्वायर बाहर। जब हम इसका रेडियस डबल कर देंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 4 पाई 2 आर स्क्वायर, और फिर वही अंदर बाहर, तो ये कितना आएगा,
चार चौक 16 दूनी 32 पाई आर स्क्वायर। तो बेटा डेल्टा ए डब्ल्यू आ गया टी इंटू डेल्टा ए, तो 32 में से 8 जाएगा तो 24 पाई आर स्क्वायर बचेगा इंटू टी। अब पूछो क्या पूछना है बोलो, मैंने पूरा लिख दिया। तो बेटा ये है ना, एक सरफेस दो सरफेस का लफड़ा इस पूरे चैप्टर में ही साथ चलेगा, अपने ध्यान से काम करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों, एक एल लंबाई की सुई है, उसको पानी क्षेत्रित रखकर, है ना, ये सुई है, मान लो ये पेन मेरा, ये एल लंबाई का पेन है, इस पेन को नीचे किया, पानी की सतह से टच कराया और पानी की सतह से टच कराकर वापस ऊपर उठाने की कोशिश की। तो पता है इस पेन को जब मैं वापस ऊपर उठाऊंगा तो मुझे इसके mg भार के अतिरिक्त एक बल और लगाना पड़ेगा, वो बल बताओ कितना होगा। ये तो ऐसे ही चलता फिरता क्वेश्चन है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे ही बस समझ कर बता दो। हाँ टी इंटू एल, और कोई बच्चा? तो बच्चों क्या होता है, ढंग से सुनना, 2TL आएगा बेटा, है ना, भार के अतिरिक्त जो बल लगाना पड़ेगा हमें, है ना, वो आएगा 2TL, और टोटल फोर्स आएगा 2TL प्लस mg। तो ये 2TL क्यों आया, ये भी वही लफड़ा है, जब आप पेन को पानी के से सरफेस से टच कराओगे और वापस ऊपर उठाने की कोशिश करोगे तो पानी से चिपक कर एक द्रव की सतह ऊपर उठेगी और उस सतह के दो पृष्ठ होंगे। सुनना, जब आप पेन को पानी में टच कराओगे और ऊपर उठाने की कोशिश करोगे तो द्रव की एक फिल्म, फिल्म को हिंदी में क्या बोलेंगे, फिल्म बोल देते हैं ना, छोड़ो। तो बच्चा इस पेन को पानी से टच कराकर उठाओगे तो पानी की फिल्म चिपक कर ऊपर उठेगी और उस फिल्म के दो सरफेस होंगे, एक इधर का सतह एक इधर की सतह, तो टी इंटू एल इधर लगेगा, टी इंटू एल दूसरी साइड लगेगा, इसलिए 2TL लगेगा। तो एक काम करो, प्रश्न मत बनाओ, इसको डायरेक्ट लिख लो, मैं लिखा देता हूं आपको, ये लो डायरेक्ट ऐसे लिख लो, एक पॉइंट बना दो, पॉइंट लिखो, एल लंबाई के तार को, सीधे तार को, स्ट्रेट वायर, एल लंबाई के सीधे तार को पानी की सतह पर क्षैतिज रखकर ऊपर उठाएं। एल लंबाई के सीधे तार को पानी की सतह पर क्षैतिज रखकर ऊपर उठाएं तो भार के अतिरिक्त, तो भार के अतिरिक्त 2TL बल और लगाना होगा, भार के अतिरिक्त 2TL बल और लगाना होगा। अब बच्चों मैंने एक्सप्लेन कर दिया 2TL क्यों आया, पानी की फिल्म जो ऊपर उठेगी उसकी दो सरफेस होंगी, एक सरफेस TL एक तरफ लगाएगी, दूसरी सरफेस TL दूसरी तरफ लगाएगी, तो टोटल फोर्स जो नीचे की तरफ लगेगा वो 2TL हो जाएगा, तो mg के अलावा हमें 2TL फोर्स और लगाना पड़ता है। इंग्लिश में सुन लो बेटा, इंग्लिश में नहीं बोला मैं, लिखो, ए हॉरिजॉन्टल वायर, नहीं, एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल वायर ऑफ लेंथ L, ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ L इज लिफ्टेड अप फ्रॉम वाटर सरफेस, इज लिफ्टेड अप फ्रॉम वाटर सरफेस, देन फोर्स अदर देन mg is 2TL, force other than mg is 2TL, बस mg के अलावा जो force होगा वो 2TL होगा। अब एक काफी famous और important question है, वो दे रहा हूं बच्चों, हमारे पास एक द्रव की बूंद है, साबुन का बुलबुला नहीं है, द्रव की बूंद है, लिक्विड ड्रॉप,
का रेडियस है कैपिटल आर, उसको छोटी 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 बूंदों में तोड़ दिया, कितनी एन बूंदों में। देखो ए लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज ब्रेक ए लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज ब्रेक इनटू एन स्मॉल ड्रॉप्स। कैपिटल आर त्रिज्या की द्रव की बूंद को एन बूंदों में तोड़ा जाता है। आर त्रिज्या की द्रव की बूंद को एन छोटी छोटी बूंदों में तोड़ा जाता है। तो बच्चों आपको वर्क डन निकालना है। कैलकुलेट वर्क डन इन दिस प्रोसेस। सरफेस टेंशन टी लेना है, इस प्रक्रिया में कार्य बताइए, और पृष्ठ तनाव टी है। अब ढंग से करना इस क्वेश्चन को, चेक करेंगे बड़े एक बार। मुझे दो मंजिल उठा हाँ बच्चा, अगर नहीं बने तो बता देना, मैं बनाऊंगा। पहले आपको हिंट दे दूं बेटा, बड़ी बूंद का आयतन एन छोटी बूंदों के कुल आयतन के बराबर करके छोटी बूंद का त्रिज्या निकाल लो, रेडियस। उसके बाद छोटी बूंदों के कुल क्षेत्रफल में से बड़ी बूंद का क्षेत्रफल घटा दो, डेल्टा ए आ जाएगा, और डेल्टा ए को टी से गुणा कर देना, आपका कार्य आ जाएगा। बस इतना करना है, मेहनत है थोड़ी सी, वो करो। तो किसी बच्चे ने लिखा है वो पढ़ देता हूं। ये लिखा है मनीष और चरणजीत ने, 4πr²t n की पावर -2/3 -1। चरणजीत का है 4πr²t n की पावर 1/3 -1। हाँ मनीष, आर स्क्वायर तो सही है, लेकिन एन की पावर गलत है बेटा तुम्हारा, एन की पावर गलत है, इसको चेक करो।
हाँ बेटा, अब मैं करता हूँ भाव्या और दुर्गेश का और है। हाँ दुर्गेश, हमें है ना बेटा स्मॉल आर निकालना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में स्मॉल आर दिया नहीं है। और भाव्या का आंसर बिल्कुल सही है, भाव्या का सही है, चरणजीत का सही है। और दुर्गेश आपको स्मॉल आर निकालना पड़ेगा बेटा, मैं करता हूँ। देखो आप सुनो आप ढंग से, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है ये क्वेश्चन, ये मान लो। तो मैंने क्या कहा, बड़ी बूंद का आयतन छोटी बूंदों के कुल आयतन के बराबर होगा। बेटा एक छोटी बूंद का आयतन होगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, एन बूंदे हैं, एन से मल्टीप्लाई कर दिया और बड़ी ड्रॉप के वॉल्यूम के इक्वल कर दिया। बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो स्मॉल आर आएगा कैपिटल आर इंटू एन की पावर 1/3, नहीं गलत लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर आएगा कैपिटल आर अपॉन एन की पावर 1/3। अब क्षेत्रफल में वृद्धि निकालते हैं। बेटा छोटी छोटी बूंदों में तोड़ोगे तो एरिया तो बढ़ेगा ना, टोटल एरिया बढ़ जाएगा, तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई, सभी छोटी बूंदों का टोटल एरिया, एक बूंद का एक ड्रॉप का एरिया, सरफेस एरिया 4πr² होता है, इसमें दो सरफेस नहीं होते, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना। बेटा द्रव की बूंद अंदर से ठोस होती है ना, अंदर कोई सतह नहीं होती, सिर्फ बाहर की सतह होती है। तो एक बूंद का एरिया 4πr², तो एन बूंदों का एन ड्रॉप्स का टोटल एरिया एन इंटू 4πr² और माइनस बेटा पहले जो बड़ी बूंद थी उसका एरिया घटा दो, तो ये आएगा एन इंटू 4π। बेटा स्मॉल आर का वैल्यू पुट कर दो, ये आएगा आर स्क्वायर अपॉन एन की पावर 2/3 माइनस 4πr². अब आप गौर से देखो 4πr² कॉमन आ रहा है। अब एन की एन एक एन ऊपर बचा, एन की पावर 2/3 नीचे है, तो 1 - 2/3 एन की पावर 1/3 बचेगा माइनस यहाँ 1 बचेगा। बेटा ये डेल्टा ए आ गया, डब्ल्यू निकालना है तो डब्ल्यू बराबर टी इंटू डेल्टा ए कर दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4πr² एन की पावर 1/3 - 1। ये हमारा आंसर है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता दूं आपको, पूरा लिखो ढंग से और समझो इस कैलकुलेशन पर, मतलब इसका जो कैलकुलेशन है ना इस क्वेश्चन में, वो और भी कई जगह काम आता है बेटा, तो बहुत काम की चीज है ये। ये तो बिल्कुल नेक्स्ट, हाँ बेटा बोलो। यस सर, हो गया लिख लिया। यस सर, टर्न। अब एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन नहीं है डिस्कशन है। बच्चों आपने देखा होगा, आप किसी पानी को है ना स्प्रे करो, आजकल तो स्प्रे बोतल बहुत यूज हो रही है सैनिटाइजिंग की वजह से। यस सर। आप एक बोतल में पानी भर लो बोलो और पानी को स्प्रे करो, तो स्प्रे करने के बाद पानी का टेम्परेचर कम हो जाता है, पानी ठंडा लगता है, ऐसा क्यों होता है बताओ, कौन बता रहा है? पानी का टेम्परेचर कम हो जाता है स्प्रे करने के बाद, करके देख लेना तुम, ठंडा लगने लगता है। आप बाल कटाने जाते हो तो वो डालता है ना पानी सर में स्प्रे करके, ठंडा ठंडा लगता है सर, बहुत ठंडा लगता है। हाँ तो ठंडा क्यों हो जाता है स्प्रे करने के बाद, ठंडा क्यों हो जाता है बताओ? सर
सर शायद बूंद बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है तो उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट आता होगा इसीलिए होगा। नहीं नहीं तेरे शुरुआत अच्छी है पर तूने एकदम से शुरुआत करती एंड कर दी पिक्चर। अरे थोड़ी पिक्चर को चला तो सही, बूंदों में टूट जाता है ठंडा हो जाता है। हाँ सर पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने से उसका जो मतलब एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हो जाता है सर। तूने भी थोड़ा सा और मसाला डाला सही डाला। और बोलो कौन बोल रहा है? सर जब जब स्प्रे करते हैं तो छोटे छोटे बूंदों में टूट जाता है जिससे कारण उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है और टेम्परेचर कम हो जाएगा। ओ प्रेस तनाव नहीं पड़ता, थोड़ा गलत बोल गया, पृष्ठीय ऊर्जा बढ़ जाती है। हाँ सरफेस एनर्जी बढ़ जाएगी और सरफेस एनर्जी बढ़ने से सरफेस एनर्जी आई कहाँ से? वो उनकी आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी को कम कर देगी, उससे उसका तापमान कम हो जाएगा पानी का। ये पूरा जवाब है। तो आपने टुकड़ों में सही बोला है, कई बच्चों ने टुकड़े टुकड़े करके बताया, सबको जोड़ लो तो अच्छा जवाब बन जाता है। तो बच्चों सुन लो, अब लिख अपने आप लेना कहानी की तरह सुन लो मुझसे। तो बेटा जब हम पानी को स्प्रे करते हैं तो पानी छोटी छोटी बूंदों में टूट जाता है। बेटा छोटी छोटी बूंदों में टूटने से उसका सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है और हम जानते ही हैं जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो सरफेस एनर्जी बढ़ेगी। अब सरफेस एनर्जी आई कहां से? सरफेस एनर्जी बढ़ तो गई पर ये आई कहां से? तो बच्चों ये सरफेस एनर्जी पानी की आंतरिक ऊर्जा एमएस डेल्टा टी याद है, इसे कम कर देता है, इससे पानी का टेम्परेचर कम हो जाता है। डेल्टा टी कम हो जाता है ना, पानी का टेम्परेचर कम हो जाएगा। आप इस कहानी को लिख लेना बेटा, अच्छी कहानी है ये, मैं नहीं लिखवाना चाहता, दो दो लैंग्वेज में और टाइम भी कम है। एक बार फिर से सुन लो, जब भी पानी को स्प्रे करेंगे तो छोटी छोटी बूंदों में पानी टूट जाएगा, उससे उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ने से सरफेस एनर्जी बढ़ जाती है और ये सरफेस एनर्जी पानी की इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा को कम कर देती है, उससे पानी का तापमान कम हो जाता है। तो बच्चों हमने जो पिछले क्वेश्चन में निकाला ना ये वैल्यू सरफेस एनर्जी तो निकली है एक तरह से। तो अगर आप इस वैल्यू को ये देखो 4πr²t n की पावर 1/3 - 1 इसे आप ms डेल्टा t के बराबर कर दो तो आप ये भी बता सकते हो पानी का तापमान कितना कम होगा, ये भी बता सकते हो कि पानी का टेम्परेचर कितना कम होगा। तो अगर आपसे पूछ ले कि यार पानी का टेम्परेचर में कमी बताइए तो बस यहां से डेल्टा टी निकाल देना आप। तो बच्चों ये एक बढ़िया कैलकुलेशन हो गई, अलग से लिख लो आप, तो पानी के तापमान में कमी इससे निकाल सकते हो आप। तो आज इतना ही पढ़ेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे मंडे को, कल आपकी छुट्टी है और मंडे को हम कंटिन्यू करेंगे इसे। और इसमें है ना सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा अभी, उसमें केशिकात्व कैपिलरी एक्शन मजेदार है, एक लेक्चर और लगेगा अभी, पूरा एक लेक्चर और लगेगा अभी। तो बच्चों चलें, अनुमति है? ओके थैंक यू सर। चलो चैप्टर को रिवाइज किया करो, अगर मौका मिल जाए तो उससे बहुत अच्छा हो जाएगा आपका चैप्टर। सोमवार को मिलते हैं, बाय। अच्छा आज दो ही लेक्चर, एक और लेक्चर है बस आपका, इसके बाद आपका तीसरा लेक्चर नहीं है बेटा आज, है ना? यस सर। चलो बाय।